गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाई हूँ प्रोडक्ट्स पे रिव्यू। सो आज जिन प्रोडक्ट्स पर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, ये मैं यूज कर रही हूँ पिछले 2 महीने से। इन सभी प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत अच्छे काम किए और कुछ प्रोडक्ट्स मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किए, जिनके कारण मुझे ब्रेकआउट हुआ। आप जो यहाँ पर एक्ने देख रहे हैं, ऐसे ही मेरे फेस पे मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ये रिव्यू शेयर करूं, ताकि अगर आप भी ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने का प्लान कर रहे हैं तो आज के रिव्यू के बेसिस पे आप ये देख लें कि वो आपको ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन टाइप की, प्लस सेंसिटिव भी है। तो आज जिस ब्रांड के हम प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखने वाले हैं वो है गुड वाइब्स, और गुड वाइब्स की मैंने कंप्लीट रोजहिप रेंज ऑर्डर किया था। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है फेस वॉश। ये है हमारा रोजहिप का फेस वॉश, जो एक ऐसी बहुत ही प्यारी पंप बॉटल में आता है। आई लाइक दिस प्रोडक्ट, काफी माइल्ड है ये फेस वॉश, बिल्कुल भी स्ट्रिपिंग नहीं है। आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स को ये बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ नहीं करने वाला। जो काम फेस वॉश को करना चाहिए वो काम ये बहुत ही अच्छी तरह से करता है। ये हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से क्लेंस करता है। आप बॉटल में प्रोडक्ट को देख के ही समझ सकते हैं कि हाउ मच आई लाइक दिस फेस वॉश। जो ये क्लेम करता है डीप क्लेंजिंग फेस वॉश, इट एब्सोल्युटली डज दैट। बहुत ही डीपली क्लेंस करता है ये आपके फेस को। तो मेरी तरफ से रोजहिप का डीप क्लेंजिंग फेस वॉश इज अ ये। अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। सो ये है भी काफी अफोर्डेबल, 175 रुपीज में 120 ml हमें मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गुड वाइब्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम क्रुएल्टी फ्री हैं और इनमें कोई पैराबेंस नहीं है, विच इज अ गुड थिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। लेकिन इनका एक बैड थिंग भी है, विच इज कि इनमें एडेड कलर्स और एडेड फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव है तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना। आप जब भी कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं आपको अपना एक रूल बना लेना चाहिए कि यू हैव टू क्लेंज योर फेस फॉर गुड 60 सेकेंड्स। हाँ जी, तो फेस वॉश के बाद मूव करते हैं हमारे स्क्रब की तरफ। तो जब मैं ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रही थी तो मुझे रोजहिप का स्क्रब नहीं मिला था, वो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। तो उसकी जगह मैंने एक पोमेग्रेनेट और एक चारकोल बैम्बू, तो ये दोनों स्क्रब्स मैंने ऑर्डर किए थे। पर्सनली इफ यू आस्क माय एक्सपीरियंस, पोमेग्रेनेट स्क्रब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ओवर चारकोल बैम्बू। सो जो ये आप एक्ने देख रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ही रिसेंटली आया है और वो आया है इस स्क्रब की वजह से। सो चारकोल बैम्बू मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। हाउएवर पोमेग्रेनेट स्क्रब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये स्क्रब आपके फेस को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करेगा और साथ ही इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सपल हो जाती है। तो आई लव दिस पोमेग्रेनेट का फेस स्क्रब। तो अगर आप भी गुड वाइब्स का स्क्रब ऑर्डर करने का सोच रहे हैं तो दिस स्क्रब इज वेरी गुड। ये टब हमारा 50 ग्राम्स का है और 195 रुपीज का आता है। लेकिन जो ये चारकोल बैम्बू है ये 50 ग्राम्स का है और इसका MRP है 249 रुपीज। महंगा स्क्रब और सूट ही नहीं किया, क्या फायदा। पोमेग्रेनेट स्क्रब इज अ ये फॉर मी, लेकिन चारकोल बैम्बू इज अ नए फॉर मी। स्क्रब के बाद मूव करते हैं हमारे फेस मास्क की तरफ। तो हमारे इस गुड वाइब्स के रोजहिप के फेस मास्क का टैगलाइन है स्किन व्हाइटनिंग फेस मास्क। मैंने ये मास्क यूज किया, इस मास्क ने तो मेरे फेस को व्हाइटन ही नहीं किया। यार ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, मार्केटिंग के लिए क्यों लिखते हैं स्किन व्हाइटनिंग। गाइस प्लीज आप इन चक्करों में मत पड़ा करो। जहां भी आप देखते हैं स्किन व्हाइटनिंग और आपको लगता है कि हाँ ये खरीद लेना चाहिए, इससे हम बहुत गोरे हो जाएंगे, बट गाइज दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके स्किन टोन को चेंज कर सकता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स और DIYs की हेल्प से आप अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकते हो, आप अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हो, लेकिन आप कभी भी अपनी स्किन का टोन नहीं चेंज कर सकते। टैनिंग हटा सकते हो, लेकिन अगर मैं व्हीटिश हूँ, मैं व्हीटिश से एकदम फेयर में नहीं जा सकती। That is not possible. कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट मेरे को व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन से उठाकर फेयर कॉम्प्लेक्शन में कभी नहीं डालने वाला। जो भी आपका नेचुरल स्किन टोन है एक्सेप्ट इट, नो ब्राइटन करो, ग्लो लाओ, ऐसा ब्यूटी केयर रिजीम फॉलो करो जिससे आपका फेस ग्लो करे। व्हाइट होके क्या करना है, आपका कलर अच्छा है, मेरा कलर अच्छा है, आपका कलर अच्छा है, हम सबका कलर अच्छा है। नो मैटर व्हाट स्किन टोन वी आर, वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड एक्सेप्ट अस द वे वी आर। तो इस मास्क की ये लाइन मुझे बहुत ही बुरी लगी। चलो वापस से रिव्यू पे आते हैं। सो इस मास्क ने भी मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। अगर इन्होंने ऐसा ना लिखा होता तो ये बहुत ही अच्छी बात होती, बट
एनीवेज अभी लिखा है तो क्या कर सकते हैं, बट हाँ आई विल से कि जो ये क्लेम करता है स्किन वाइटनिंग फेस मास्क, वो ये नहीं है, ये आपकी स्किन को वाइटन नहीं करने वाला है, लेकिन यस इसको यूज करने के बाद आपका फेस ब्राइटन हो जाता है, आपके फेस पे वो ग्लो आ जाता है जो एक क्लेम मास्क को देना चाहिए। अगर आप ये खरीदने का सोच रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड बाय दिस। ये हमारा 60 ग्राम्स का टब है विच कम्स फॉर 235। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि ये जो ये सारे प्रोडक्ट्स है ना, इतने हाई रेट पे खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने जब ये प्रोडक्ट्स मंगाए थे जब पर्पल पे सेल चल रहा था, सो मुझे ये बाय वन गेट वन के ऑफर पे मिल रहा था, तो मुझे रफली 40-50% का डिस्काउंट मिल गया था हर प्रोडक्ट पे जो भी मैंने ये ऑर्डर किए थे। अगर आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहे हैं, आप ये तभी परचेज करना। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि करंट प्राइस क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मास्क के बाद हम मूव करते हैं हमारे टोनर की तरफ। सो जो ये रोज़हिप का स्किन क्लैरिफाइंग टोनर है, मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। इस टोनर के हिसाब से ये आपके फेस पे वो फ्रेश ग्लो देता है, डेफिनेटली देता है, लेकिन इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब मैं इसे अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ ना, तो मुझे इसका फ्रेग्रेंस चढ़ता है, सीधा नोज में घुसता है। तो इफ यू आर समवन हूज सुपर सेंसिटिव, गाइज दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। जब आप इसे अपने फेस पे स्प्रे करते हैं तो इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही स्ट्रॉन्गली आता है। आई थिंक आई कैन यूज इट एज अ बॉडी मिस्ट, हो सकता है कि मैं इसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करने लग जाऊं, बट फेस के लिए दिस इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। हमारे ये 200 ml का बॉटल 225 रुपीज का है। अच्छा जी, अभी टोनर के बाद हमारा आता है रोज़हिप का फेस जेल। अगर आप ऑयली स्किन टाइप के हैं या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के हैं, ये खरीदने की सोचना भी मत। बहुत हैवी जेल है ये। जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो एक सूदिंग इफेक्ट आता है, एकदम ठंडा इफेक्ट आता है, लेकिन यही वो प्रोडक्ट है जिसने मेरी स्किन में मेरे को ब्रेकआउट दिया, बिकॉज दिस जेल इज सुपर हैवी। अगर आप ड्राई स्किन टाइप के हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तब आप इस फेस जेल के लिए जा सकते हैं। हमारा ये भी 50 ग्राम का टब है और ये 175 रुपीज का इसका MRP है। अभी मुझे इस जेल को अपनी बॉडी पे अप्लाई करके खत्म करना पड़ेगा, बट मैं इसे अपने फेस पे तो दोबारा कभी नहीं लगाने वाली। नेक्स्ट है जी हमारा रोज़हिप का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। ये है हमारा वो प्रोडक्ट जो पूरी रोज़हिप रेंज का बेस्ट सेलर है। अगर आप पर्पल ऐप पे जाके देखेंगे, आपको हर जगह रोज़हिप का ये सीरम छा रहा होगा, एंड ये प्रोडक्ट टोटली उस लाइमलाइट को डिजर्व करता है, बिकॉज दिस फेस सीरम हैज वर्क्ड रियली वेल फॉर मी। नो मैटर आप किस स्किन टाइप के हैं, आप ड्राई हैं, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, सेंसिटिव है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हमारे ये 10 ml का बॉटल आता है 215 रुपीज का, एंड दिस इज द प्रोडक्ट विच आई विल से कि अगर आप रोज़हिप रेंज में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो फर्स्ट डे से ही ये सीरम अगर आप नाइट में अप्लाई करके सोते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको डेफिनेटली आपके फेस पे वो ग्लो मिलने वाला है। तो दिस सीरम हैज वर्क रियली वेल फॉर मी। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इस सीरम के बाद बारी आती है हमारे रोज़हिप की फेस क्रीम की। अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे को बिल्कुल सूट नहीं किया। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी काफी हैवी है, बहुत ही क्विकली अब्सॉर्ब नहीं होती है। समर्स में ऑयली स्किन वाला अगर इसको लगाने वाला है, तो इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग फील होता है। तो मैंने जब इसको अप्लाई किया था, मेरे को ये मेरी स्किन पे बहुत हैवी लगी और मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगा आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस क्रीम। तो दिस इज अ बिग नो नो फ्रॉम माई साइड। ये 50 ग्राम्स का टब हमारा 225 रुपीज का आता है। इसे भी मैं अपने फेस पे बिल्कुल नहीं अप्लाई करने वाली हूँ और इसे मैं खत्म करने वाली हूँ बॉडी लोशन की तरह यूज करके। अगर आपकी स्किन ड्राई है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बट ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आई डोंट थिंक दिस इज गोना वर्क। नो नो फ्रॉम माई साइड। तो ये सब थे हमारे रोज़हिप रेंज के प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए, मैंने यूज किए और उनका मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया। अगर आप मुझसे एंड में आप पूछेंगे कि इस पूरी रेंज में से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से थे, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि ये फेस वॉश और ये सीरम, दीज आर टोटली वर्थ द मनी। और मैं इस एंटायर रेंज में से कौन से प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ा नो कहूंगी, तो वो है ये फेस जेल और ये फेस क्रीम। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा, प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अगर आपने इन एंटायर प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो आपका उन प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको भी ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।